अल्हम्दुलिल्लाह कई महीनों से जो नौजवान हमारे और उलमाए इकराम जिस ताल्लुक से इस इलेक्शन के ताल्लुक से जो मेहनत कर रहे थे उसका समरा आज देखने को मिल रहा है। कसीर तादाद में नौजवान भी बूढ़े मर्द औरतें बढ़ चढ़ कर के हिस्सा ले रहे हैं और वोटिंग कर रहे हैं। हालांकि इस वक्त जो शदीद गर्मी है उसके बावजूद भी हिस्सा ले रहे हैं और पूरी उम्मीद है कि ये हमारा कैंडिडेट कामयाब हो जाएगा। आज यहाँ पर दरबार मोहल्ला खंजर मोहल्ला इस एरिया में जो है पोलिंग हो रही है और माशाल्लाह एक 80% होती पोलिंग तक इंशाल्लाह होने की उम्मीद है। और इसी तरीके से जो है पूरे डिस्ट्रिक्ट में अगर इसी तरीके से पोलिंग हो जाए तो इंशाल्लाह इस तरीके से उलमाए कराम और हमायदीन शहर जितनी मेहनत की है इंशाल्लाह रंग लाएगी इंशाल्लाह। इस वक्त हम दरबार मोहल्ले में खड़े हैं और अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर जो है दरबार गली खंजर गली बागान गली के जो है जमात के लोग यंग कमेटी के लोग जो है इस पार्लियामानी इलेक्शन में जो है मेहनत कर रहे हैं और अभी तक जो है 50% के करीब वोटिंग हुई है और उम्मीद है कि 100% जो है वोटिंग हमारी हो जाएगी। और यहाँ का कैंडिडेट जो है इस बेलगाम पार्लियामानी हल्के का कांग्रेस का उम्मीदवार वो उसके जीतने के जो है पूरे जो है आसार नुमाया में है। अस्सलाम वालेकुम। सबसे बहुत खुशी की बात है कि जैसा हमारे उलमाओं ने और जमात के जिम्मेदार और एमएलए और सब कॉर्पोरेटर्स और सब लोग यंग बच्चे मिलके जैसे उम्मीद किए थे उससे भी बेहतर हमें वोटिंग का आज नज़ारा देखने को मिला। मुझे लगता है कि हमारे भी कम से कम हमने भी 4-5 एमपी इलेक्शन देखे। पहली मरतबा जो एमपी इलेक्शन के अंदर फास्ट वोटिंग हो रही है। अब तक कम से कम खंजर गली में भी 55 से 60% वोटिंग हो चुकी है और बहुत सारे लोगों से गुजारिश है जो भी लोग वोट नहीं करे जल्द से जल्द आके वोट करे। और बहुत ही और एक बार बोलते हुए बहुत खुशी हो रही है कि खंजर गली होने दो गांधीनगर सिटी या पूरा एक्सटेंशन एरिया है बेलगाम नॉर्थ के अंदर बहुत अच्छी वोटिंग हुई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज लोगों में बहुत शुरूर देखने को मिला कि सुबह सुबह 7 बजे लोगों का हुजूम बहुत था, 10 से 11 बजे तक हुजूम रहा और अब तक 65% वोटिंग हो चुकी है और 2-3 घंटा बाकी है। इंशाअल्लाह वोटिंग जो है 90-95% जाने की उम्मीद है। आजच्या दिवशी इलेक्शन आज 2024 म्हणल्यावर एक उत्साहच वाटला सगळ्यांना आणि मला वाटतंय आज वोटिंग पूर्णपणानं आज हॉस्पिटलमध्ये असू द्या या कुठेही असू द्या या घरी असू द्या कुठं वयस्कर असू द्या गावी असू द्या कुठेही असू द्या त्यांनी येऊन वोट करायला लय आनंदाची गोष्ट आहे। आणि मला वाटतंय असं वोटिंग केलं तर आता आणि कोण लोक आहे त्यांनी वोटिंग करावं अशी माझी ವಿನಂತಿ। ನಮ್ಮ ಮತ ನಮ್ಮ ಹಕ್ಕು ದಯವಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ಜನತೆಗೆ ನನ್ನ ಒಂದು ಇದು ತಮ್ಮ ಅಮೂಲ್ಯವಾದ ಮತವನ್ನು
वेस्ट मे एलू मटवन हाकि ना शिवबसवनगर जी मतलब शिवबसवनगर 159 एंड 160 बूथ नंबर साकु प्रमाण वोटिंग आगता है जन भाला उत्साहपूर्वक यह सल वोटिंग बड़ा शहर मतदार तम अत्यमूल मतलब हाकि डोंट वेस्ट युवर वोट अंत हेतर 50% वोटिंग शिवबसवनगर आगे अंत हेलबाद। अजी किती वय है? वय किती वय फेस्ट वय मत घालायला आलाय वोटिंग ला आलाय कितवा वोटिंग आता तुम्ही किती वर्ष झालंय उमरीच मालूम नाही झाले की 15-16 वर्ष कुठे राहता इथे पाटील गेलीला नाव काय आई काय तुमची किती वय त्यांचं 84 84 आणि कोण आहे तो